हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री किंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिक टू इंडक्टिव इफेक्ट। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आएगा। इसे आप अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन क्लिक करना नहीं भूलेंगे। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा और मेरा वीडियो देखने वाले सबसे पहला आप होंगे। फूल और तारे सभी कहते हैं केमिस्ट्री से हमारे गहरे रिश्ते हैं। तो आज मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिन्हा आपके लिए लेकर के आया हूं ट्रिक टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्शन का मतलब प्रेरण। जैसे तुम कहते हो अपने मित्र को कि चलो ना सिनेमा बहुत अच्छा है, ये कहता नहीं जाएंगे। तुमको तो नहीं, चलो ना, गाना भी बहुत अच्छा है, डांस भी अच्छा है, कॉमेडी है, ऑल थिंग्स आर देयर, इसका भी मन हो जाता है चलो। तो ये प्रेरण है, इंडक्शन। इसी पर मैं बात करने जा रहा हूं। कोई कार्बन का चेन है और एक्स कोई ग्रुप है जो कि चेन के एंड में लगा हुआ है, तो वह ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या रिपेल करेगा। तो इस ग्रुप के कारण पूरे चेन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर या तो इधर आ जाएगा टुवार्ड द ग्रुप या अवे फ्रॉम ग्रुप, यही तो स्थिति पैदा हो सकती है। तो क्या कहोगे, ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कार्बन चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए ग्रुप एट द एंड ऑफ द चेन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ये ग्रुप तो परमानेंटली वहां प्रेजेंट है उस चेन में, तो या तो अपनी ओर खींचे हुआ है या वह धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो परमानेंटली दैट इफेक्ट इज देयर। इसीलिए हमने कहा परमानेंट इफेक्ट, या परमानेंट इफेक्ट है। आगे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वह टेम्पोरी इफेक्ट है, उसमें पाई बॉन्ड टूटता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, उसको हम जब बताएंगे तो और आपको चीजें क्लियर होंगी। पहला है माइनस आई इफेक्ट, इसको निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। यदि ग्रुप जो एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन लगा हुआ है वह अपनी ओर यदि खींचता है इलेक्ट्रॉन को, यानी चेन कार्बन के चेन में जो इलेक्ट्रॉन है वह किधर शिफ्ट होता है, ग्रुप की ओर होता है, तब इसको निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक्स इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। यहां ध्यान देना, कोई भी ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यदि है तो वह तो भैया खींचेगा ही खींचेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रायः सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को पंप करता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में बहुत सारे हैं, नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइडो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, साइनो ग्रुप, एटीसी। एक्स इलेक्ट्रॉन को, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्स अपनी ओर खींचता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इधर डेल्टा माइनस होगा, इधर डेल्टा प्लस होगा। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन एक्स जब इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर डेल्टा प्लस हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे ज्यादा हो जाएगा, प्लस चार्ज होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर
खींचा जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा डेल्टा डेल्टा प्लस एफ यू डेल्टा मीन्स एफ यू। इसका मतलब क्वांटम ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन दिस, क्या रखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही खिंचाया है ड्यू टू दिस प्लस चार्ज। इस पर प्लस चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा जाएगा, ऐसा हो गया। एक जगह प्लस चार्ज डेवलप हुआ तो पूरे चेन में डेवलप हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको यहां ये भी जान लेना जरूरी है कुछ ग्रुप का ऑर्डर क्या है, खींचने का ऑर्डर। इसे आपको बहुत सारा रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा। सबसे पहले तो तुम जानते हो फ्लोरो ग्रुप सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, आइडो से कम होता फिनाइल C6H5 और सबसे कम हाइड्रोजन। इतना तो आप लोग को आइडिया है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल, वो तो आपको मालूम है। उसके बाद फिनाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का काम करता है कहीं ना कहीं, बिकॉज तीन पाई बॉन्ड उसमें है। पाई बॉन्ड का मतलब अनसेचुरेशन, वो खींचेगा ही, सबसे कम हाइड्रोजन, इतना याद रहता है। उसके बाद एक आता है नाइट्रो ग्रुप, एक आता है साइनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें लड़कों को कंफ्यूजन होता है, इस तीनों में इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रो तब साइनो तब कार्बोक्सिल। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना दिया है NCC। आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉलेज में NCC होता है, शायद आप लोगों में से कोई हो गई भी, नेशनल कैडेट कॉर्प, नेशनल कैडेट कॉर्प। नाइट्रो ग्रुप में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव, दो ऑक्सीजन है वहां इलेक्ट्रोनिगेटिव, डबल बॉन्ड है उससे भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रो साइनो ट्रिपल बॉन्ड एन है, उसके बाद कार्बोक्सिल तब फ्लोरो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है। एक चीज जान लो, सबसे ज्यादा जो है वह NCH3O3+ ऐसा ग्रुप यदि हो, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि ये कंप्लीट ए प्लस है। मान लो ये अमोनिया है ना, तीन मिथाइल होगा तो ट्राई मिथाइल होगी, और यदि एक आठ और खाली हो डबल बॉन्ड है वहां लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए प्लस भी हुआ है। ऐसा कोई ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर सबसे इसका ज्यादा होगा, क्योंकि एक प्लस चार्ज है। इसलिए यहां एक ट्रिक हमने बता दिया, NCC आप ख्याल रखोगे तो आप बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अब हम सेकेंड बताने जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, इसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। सपोज ये कार्बन का चेन है, वेयर एक्स इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, ये सारा अल्काइल होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन पंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इसमें से भी आपको होता क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन पंप करेगा इधर से इधर आएगा, यहां क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस हो जाएगा, इसमें डेल्टा डेल्टा माइनस हो जाएगा, डेल्टा 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 माइनस हो जाएगा, तो पूरे पर इंडक्शन हो गया निगेटिव चार्ज का। कुछ CH3O3C ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हुआ, ये सबसे ज्यादा आप देखिए ना, ये सी है CH3 CH3 CH3, कार्बन जो पुश करेगा, तीन मिथाइल का ताकत है, तीन मिथाइल इसको पुश कर रहा है, उसके ताकत से ये उधर पुश करेगा, ऐसा कंसेप्ट है। सबसे ज्यादा ये आपका हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। यदि आप ऐसा ग्रुप है तो दो मिथाइल ताकत है,
उस दो मिथाइल के ताकत से ये कार्बन फिर पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पंप कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा उससे कम ताकत होगा इसको। उसके बाद ये प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल, ये मिथाइल इसको देगा ताकत, ये उसको देगा, फिर तब उसको देगा, तो दूरी बढ़ गया है, इसीलिए ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उससे कम होता है इसका क्योंकि दूरी बढ़ गया, ये उसको सपोर्ट किया, ये उसको सपोर्ट किया, इससे कम होगा CH3CH2 इथाइल, इससे कम पंपिंग नेचर होगा मिथाइल का, और सबसे कम पंपिंग नेचर हाइड्रोजन का होगा। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा, या एक चीज अंडरलाइन करने की बात है, यहां जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप उसको दो कैटेगरी में बांटा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, यही फिर एरोमेटिक कंपाउंड में बताएंगे, ऑर्थो पारा डायरेक्टर मेटा डायरेक्टर में ग्रुप को डिवाइड किया गया, तो वो क्लासिफिकेशन वहां अलग है, यहां का क्लासिफिकेशन अलग है, इसको अंडरलाइन करना। इस तरह से आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं, उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप निश्चित रूप से मेरे लेक्चर को वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, धन्यवाद।